हेलो फ्रेंड्स, दुर्गा किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी की बर्फी। तो लौकी की बर्फी बनाने के लिए हमने लिया है, ये 1.5 किलो लौकी ली है जो हमने कद्दूकस कर ली है। देखिए इस तरह से हमने पहले से ये कद्दूकस करके रख ली है। और हमारी चीनी है ये 600 ग्राम, आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है चीनी। 1.5 किलो लौकी में हम 600 ग्राम चीनी डालेंगे। और ये 300 ग्राम मावा है जो हम आज मावे की बर्फी बनाएंगे लौकी वाली। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो ये हमने लिया है 100 ग्राम घी और इलायची पाउडर है फ्लेवर देने के लिए। कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। तो आइए लौकी की बर्फी बनाना शुरू करते हैं। देखिए हमने रखी है एक बड़ी कढ़ाई इस तरह से। 1.5 किलो की लौकी का बर्फी बना रहे हैं तो हमें बड़ी बड़ी कढ़ाई चाहिए। तो हमने इसमें डालेंगे घी, और अब इसमें जाएगी लौकी। इसे हमने अच्छे से कद्दूकस करके निचोड़ लिया था। इसका जो पानी निकलता है वो हमने सारा इसे निकाल दिया है दोनों हाथों से दबा के। तो हमें इसका पानी, वो कड़वाहट होती है इसलिए हम पानी को उसका निकाल देते हैं दोनों हाथों से दबा के। अब इसमें घी के साथ हम इसे 15 से 20 मिनट तक इसे अच्छे से भूनेंगे जब तक इसका पानी सूख न जाए और हमारी लौकी सॉफ्ट हो जाए। जब तक हमें इसे भूनना है अच्छा सा, उसके बाद हम इसमें चीनी डालेंगे। तो इसे चला चला के स्लो फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे ना करें, नहीं तो हमारी ये जलने लगेगी और इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो हमें इसे स्लो फ्लेम पे अच्छे से चला चला के इसे अच्छे से भूनना है। उसके बाद हम इसमें चीनी डालेंगे इस तरह से। घी के साथ हमने इसे डाला है तो ये बहुत अच्छा घी का टेस्ट आएगा और इसमें बर्फी में हमारी में शाइनिंग आएगी। तो हम इसे इस तरह से चला चला के अच्छे से भूनेंगे स्लो फ्लेम पे। उसके बाद हम इसमें चीनी डालेंगे। देखिए हमारी लौकी हमने इस तरह से चला के थोड़ी सॉफ्ट होने लगी है। तो अब इसमें देखो ये पानी निकल आया है, लौकी पानी छोड़ती है। तो इस तरह से अब हम इसे हाई फ्लेम कर लेंगे जिससे हमारा पानी अच्छे से इसमें सोख जाए। तो पानी को सुखाने के लिए हम फ्लेम को हाई करेंगे और इसे लगातार इसी तरह से चला चला के अच्छे से भूनेंगे। शुरू में इसे फ्लेम को हाई नहीं करना, जब इसका ये पानी छूट जाए, इसे पानी को छुपाने के लिए हमें इसे फ्लेम को फिर हाई करना है और इसे लगातार इसी तरह से चलाते रहें और पानी सूख जाए। उसके बाद हम चीनी डालेंगे इस तरह से इसे चलाते रहें। देखिए फ्रेंड्स हमारी ये लौकी भुन चुकी है, इसका पानी सारा खत्म हो चुका है और इसे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं अच्छे से भून के। हमने इसका पानी सारा हाई फ्लेम पे सुखा दिया है इसका, इस तरह से देखिए। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। इसमें चीनी जाएगी और अच्छे से इसे हम मिलाएंगे इस तरह से लगातार चलाते हुए। इस तरह से हमारी चीनी मेल्ट हो जाए जब तक इसे हम अच्छे से चलाएंगे लगातार। ये देखिए क्योंकि लौकी हमारी भुन के हाफ रह गई है, ये 1.5 किलो लौकी थी तो हमारी उस हिसाब से थोड़ी कम रह गई है, इसका पानी सारा सूख गया था इस तरह से। ये लौकी की बर्फी फ्रेंड्स इतनी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और मावे वाली बर्फी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। आप मावा ना डालो तो आप इसमें मिल्क पाउडर भी डाल सकते हो।
मैं आज मावे वाली बना रही हूँ, तो इसमें मैं मावे डालूंगी। देखो हमारी चीनी, ये देखिए इसके चाशनी बनने लगी है, तो अब इसे हम चाशनी में पकने देंगे इस तरह से। ये देखिए और इसमें चीनी डाली है तो इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है। आप चाहें तो इसमें ग्रीन कलर भी डाल सकते हैं, जैसे हमें मार्केट में मिलती है उसमें फूड कलर डालते हैं ग्रीन, तो आप इसमें चाहें डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये घर के लिए ही ऐसे बना रही हूँ खाने के लिए, हम मैं फूड कलर नहीं डालूंगी। आप चाहें तो आप इसमें कलर चेंज करने के लिए फूड कलर ग्रीन वाला जो आता है उसे आप डाल सकते हो। तो इसे हमें अच्छे से पकने देना है, और बीच बीच में इसे थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये लौकी की सारी चाशनी, जो इसमें चीनी का पानी था, वो सारा जम चुका है। ये देखिए इस तरह से, और हमारी गाढ़ी हो चुका है ये इस तरह से, चला चला के हमने इसे भूना था। ये देखिए तो ये कढ़ाई को छोड़ने लगी है हमारी लौकी, ये देखिए। लेकिन अभी ये जमेगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5 से 10 मिनट। तो इसे हमें इसी तरह से चला चला के थोड़ा सा गैस को कम करेंगे, और थोड़ी गैस कम करके इसे अच्छे से थोड़ी देर और भूनेंगे इस तरह से चला के। उसके बाद हम इसमें मावा डालेंगे। तो अभी इसे इस तरह से चला चला के भूनेंगे, और ये थोड़ा सा इसका रंग ग्रीन सा हो गया है। अब इसमें हम मावा जब डालेंगे तो इसका कलर बहुत ही अच्छा, बड़ा प्यारा कलर आने वाला है बर्फी में। तो आप देखिए जब तक इसे हम भूनेंगे अच्छे से, और एक थाली लेंगे, जब तक हम इस थाली में अपना घी लगा के इसमें बर्फी फैलाने के लिए तैयार करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये इस तरह से, ये देखिए बर्फी की पॉइंट में आ चुकी है। ये देखिए इस तरह से कढ़ाई छोड़ने लगा है ये हमारा पेज। तो अब इसे चेक करेंगे। एक कटोरी में लेंगे हम पानी, और इसमें ये हल्का सा थोड़ा सा इसका ये डालेंगे इस तरह से, और इसे देखेंगे अगर इसकी बॉल बन रही है। ये देखिए अभी बॉल नहीं बन रही, ये गीली है अभी, तो ये बॉल एकदम बनने लगेगी तो समझो हमारी ये बर्फी के लिए तैयार है हमारी लौकी। लेकिन अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद हम खोया डालेंगे। तो अभी हम इसे 5 मिनट और भूनेंगे, उसके बाद इसमें खोया डालेंगे। इस तरह चलाते रहें। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये अच्छे से भुन गया है, तो आइए इसे पानी में डाल के हम चेक करते हैं। इस तरह से थोड़ा सा पानी में डालेंगे इसे लौकी को, और उसे हम चेक करेंगे। ये देखिए हमारी ये गोली बनने लगी है, ये देखिए इस तरह से, और टाइट गोली बनने लगी है। तो हम इसमें अब मावा डालेंगे इस तरह से, गैस को करेंगे थोड़ी देर के लिए हम बंद, और अब इसमें हम डालेंगे अपना खोया इस तरह से अच्छे से, और इसमें हम मिलाएंगे। ध्यान ध्यान रहे फ्रेंड्स, हमारा ये खोया है ये थोड़ा टाइट है, जो मैंने घर पे बनाया है ये हमारा होममेड खोया है। तो इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, तो आप इसे ज़रूर देखें मेरे चैनल पे जाके। ये देखिए, और इस तरह से हम इसे मिक्स करेंगे। तो हमें इसे खोए को थोड़ा टाइट रखना है अपनी लौकी की बर्फी के लिए। इस तरह से हम इसे सारा मिक्स कर लेंगे और गैस को कर देंगे बंद। इसके बाद इसे हम अच्छे से मैश करेंगे। जल्दी जल्दी से हाथ चलाएं मैं, ये इस तरह से। देखिए हमने खोया मिला दिया है, इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स कर दिया है इस तरह से। कोई भी खोए के इसमें लम्स ना रहे, तो वे अच्छे से सेट होने दें। और गैस को हमने ऑन करके हल्का सा इसे स्लो पे ऑन किया है, और इसे अच्छे से चला के थोड़ा इसे अच्छे से मिक्स हो जाने, खोया हमारा अच्छे से लौकी में मिक्स हो जाए, इसलिए हम इसे चलाते रहेंगे।
अब डालेंगे हम फ्रेंड्स इसमें इलायची पाउडर अपना और इसे मिक्स करेंगे इस तरह से। ये देखिए ये देखिए, बस अब हम गैस को करेंगे बंद और इसे हम जो थाली पे हमने घी लगाया था इस पे हम इसे अच्छे से फैला लेंगे। तो आइए इसे हम फैलाते हैं इस तरह से। बहुत बढ़िया लौकी बनी है हमारी फ्रेंड्स, तो इसे हम अच्छे से थाली पे फैलाएंगे इस तरह से। देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसमें, ये देखिए देखिए हमने अपनी थाली में इसे फैला लिया है इसे पलट के। और एक कटोरी ली है, उसकी तली में हमने घी लगा के और इस तरह से इसे अच्छे से चिकना किया है। देखिए कितनी अच्छी शाइनिंग आ रही है जो हमने घी डाला था उसकी वजह से। और हमने ये इस तरह से बचा हुआ इस पे थाली पे डाल लिया है। अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इसके पीसेस करेंगे, चक्कू से इसके पीस की डिजाइन बनाएंगे, उसके बाद इसे ठंडा होने पर प्रॉपर ठंडा होने पर इसे हम निकालेंगे। तो इसे ठंडा होने देते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारी ये थोड़ी सी ठंडी हुई है, अभी प्रॉपर ठंडी नहीं हुई है, तो हम ज़्यादा ठंडी नहीं होने देंगे इसे। तब तक इसके बर्फी के निशान लगा लेंगे चाकू से इस तरह से। अगर ज़्यादा ठंडी हो जाती है तो ये कटने में थोड़ी मुश्किल देती है, इस तरह से हम इसके प्रॉपर निशान लगा लेंगे अच्छे से इस तरह से। और इसे इस तरह से लगा लेंगे। ये देखिए ये देखिए, और इस पे हम अपने ड्राई फ्रूट्स लगा के इस तरह से डेकोरेट करेंगे, इस तरह से दबा के इस तरह से। तो हम इसे सारे ड्राई फ्रूट्स लगा लेंगे इसमें। फ्रेंड्स ये बर्फी बनाने में हमें 35 मिनट लगे हैं और थोड़ा टाइम इसमें कम ज़्यादा हो सकता है, तो इस तरह से आप बर्फी बनाएं। और इसे थोड़ा ठंडा हो जाएगी फिर इसके पीसेस हम अलग करेंगे थाली से थोड़ा थोड़ा ठंडा होने के बाद, और इसे सारे में हम ड्राई फ्रूट्स अपने अच्छे से डेकोरेट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारी बर्फी लौकी की खोए वाली रेडी है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं घर पे, बहुत अच्छी लौकी बनी है। और आप इसका ध्यान रखें कि हमें इसका जब तक गोली बन जाए तब उसके बाद हमें खोया डालना है लौकी की, और चाशनी की जब गोली बनने लगे टाइट तो उस समय से थोड़ा सा खोया उसी टाइम डालें, और उसके बाद ही अच्छे से पीसेस निकल आते हैं इसके, अच्छे से फैला के और अच्छे से पीसेस निकल आते हैं इसके। तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करें, और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।